अज गल करांगे जी चल रहे सालाना धार्मिक समागम के संबंध में किस तरीके के प्रोग्राम का आयोजन किया गया जी और किन्ने दिन चलेगा। ये जो हर साल की तरह 44वां प्रोग्राम जो श्रीमान संत बाबा साहिब सिंह जी ने प्रारंभ करवाया है और उन्होंने याद में समर्पित हर साल श्री चंपर खंड पाठ साहब जो 7 रोजा यह प्रोग्राम होंगे है और 1 मार्च में यह समाप्ति होनी है। 3 टाइम दीवान साहब ने सवेरे अमृत वेले 4 बजे तो लैके 7:15 बजे तक, दोपहरे 9 बजे तो लैके 1 बजे तक और शाम फिर 4 बजे तो लैके रात 10 बजे तक दीवान साहब जी ने जिदे विशेष तौर पर गुरुओं का प्रचार सिमरन अभ्यास न करवाया जाता है। श्री सुखमी साहब जी के पाठ संगति रूप होंगे ने नाल विशेष तौर पर जो है अमृत संचार का हुक्का दिता जा रहा है और 1 मार्च को दीवान की समाप्ति तो उपरंत अमृत संचार भी किया जाएगा। सो मैं बेनती करदा कि यह इतना वड्डा विशाल प्रोग्राम संगतां का प्यार का समुद्र ठाठा मार रहा है। संगतां बड़े तन मन धन दे नाल डुटियां नभा रही ने, बड़ा चढ़दी कला दे विच प्रोग्राम चल रहा है और ये जो विशेष प्रोग्राम रखा गया इस विशेष अरदास हुंदी है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, किते किसी भी व्यक्ति दे नाम दी अरदास नहीं समुचे जगत दी अरदास कीती जांदी है। इस प्रोग्राम विच खास तौर ते ये विशेषता है और मैं अपील करदा संगतां नूं कि समागम विच जिहड़े रहिंदे दिन ने तगड़े होके सारे संगतां हुम आके पहुंचो और लाहा प्राप्त करो और गुरु दियां बख्शां और शीशां दे पात्र बनो और चढ़दी कला टाइम टीवी का भी मैं धन्यवाद करदा जो इस मैसेज नूं पूरे वर्ल्ड विच पहुंचा रहे ने। और इतनी बेनती करदा होया दास किमां दा जाचक है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।